भाई दूल्हा दूल्हा भूखा है जा रहा अंदर ही अंदर। ना ना मेरे कान में गिर रही कह रहा था भाई दूल्हा कह रहा था कि मुझे भूख बहुत तेज लगी है मगर क्या करूं मैं किससे कह रहा था। रास्ते हमने की गाड़ी रुकवाई नहीं मगर लेट होगी बारात तू लेट हुआ टाइम बंद नहीं बारिश की वजह से। आप देख सकते हो टाइम क्या हो रहा है 5:17 हो रहे हैं और ये खाने के टेबल अभी क्लीन है। ये आज तेरा भाई लेग पीस मारेगा। पचास ये रे भाई और 1000 ये रे। हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता है मैं आया हुआ हूँ समस्तपुर अपनी नानी के गांव में और यहाँ है हमारे एक मामा की शादी। देख सकते हो हमारे मामा कितने रेडी हैं। भाई मेरी नहीं है एक दोस्त है उसकी है। ये गलत गलत भावनाओं में भेजाते हो तुम। बात को ध्यान से सुनो समझो उसके बाद उसका एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में दो ठीक है। एज तो मेरी 18 है ना। ये आजादी से पहले आए थे दुनिया में। आज भी 18 गई है। एक्चुअली गाइस पता क्या इनके साथ गया हुआ ये 29 फरवरी को आए थे दुनिया में तो अभी कुल मिलाकर के टोटल काट पीट की इनकी एज बैठेगी 4-5 साल। 17.5 एज इनकी ठीक है। चलिए अब आपको दिखाते हैं अंदर किस तरह से गेस्ट आए हुए हैं। गाइस ये मेरा दोस्त है इसकी आंखों में सुरमा लग रहा है और भाभी को हटा दिया इसलिए क्योंकि आंख में सलाइन लग जाए। अच्छा भाई ये इसे शादी है ठीक है ठीक है ठीक है। लाइक करो लाइक कमेंट शेयर ठोक के मत। हां दादी ठीक है इधर आ जा। चलो दादी हमारी ठीक है ओके। हां अरे इधर छुट्टी सब आ गए सब आ गए। आप देख सकते हो गाइस कितना एंजॉय कर रहे हैं हम सब। गाइस आज बहुत चिल कर रहा है। चिल हाँ चिल चिल कब उड़ाने चिल एकदम चिल्लाता हूँ चिल। अच्छा चिकने चिल्लाना है आज ठीक है। हो गया भाई लेके अरे जल्दी चलो नाश्ता निकल जाएगा। जल्दी निकलवाओ बारात को नाश्ता निकल जाएगा भाई। नाश्ता दोबारा गर्म होना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा डेथ हो गई थी अल्लाह रहम करे इस चक्कर में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा बारात हमारी 11:30 बजे निकल जाती है। अच्छा चलो फिर भी नाश्ते का तो ख्याल रखो। नाश्ता कुछ चाहिए नाश्ता मिलेगा आई डोंट माइंड समझ रहे हो ना। जरूरत है कुछ अंदर बारात लेट इसलिए हो गई साइकिल में हो गया था पंचर। साइकिल में पंचर बोला साइकिल से धक्का मारनी थी ना बोला हमारा बैटरी समझ आता है इत्तेफाक की बात हुई। आपने देखा होगा अक्सर लोग बुलेट पे जाते हैं। कभी तुमने देखा बुलेट बैटरी रिक्शा में जा रही पंचर बुलेट जा रही बैटरी रिक्शा में। पहली बार ऐसा नजारा देखा है गाइस तो मैं कैमरे में कैद नहीं कर पाया। सब्सक्राइब करो गुटका निकालो पहले विमल पान मसाला विमल पान मसाला। ये हमारे चचा है गांव के प्रधान के ये यूं गाड़ियां छुड़ा दे यूं ऐसे यूं। गाइस अब हमारे जो बड़े भाई हैं वो आ चुके हैं। कहने का मतलब है ये शादी राम घर जोड़े हैं। इतने महंगे बंदे हैं ना शादियों में इतनी मेहनत करते हैं ना जिससे कोई हिसाब लगा ही सकते कैलकुलेटर फेल हो जाए। तो मतलब इनकी शादी हो गई वैसे बच्चे पास पास चार सॉरी भाई एक कम है चार है चार बच्चे ठीक है। हमारा भांजा है जो कहने को डॉक्टर है मगर हमें पता नहीं अब तक है भी या नहीं खुद कंफ्यूजन है।
कहीं ऐसा था ना झोला झाड़ डॉक्टर हो। अब ये बताएगा आप डॉक्टर हो नहीं है, मना कर रही है, फर्जी आदमी है, ये फर्जी डॉक्टर है, डिग्री वाले, ये फर्जी डॉक्टर है। अच्छा हाँ, इसका ध्यान रखते हैं, कभी किसी को दवाई वाई दे तो ना दे इससे, ठीक है भाई। इसके बारे में कुछ आओ, कुछ बरकत 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 ये हमारा सबसे नालायक भांजा, दुनिया का सबसे नालायक आदमी ये है, शरीफ शरीफ, दुनिया का सबसे शरीफ, वेरी शरीफ, वेरी शरीफ, सही है सही है। जलेबी की तरह सीधा वाला, जलेबी की तरह सीधा, आप समझ सकते हो गाइस, ठीक है ठीक है। अरे लोंडे कैसे तैयार हो रहे हैं इधर, इनका क्या मामला, क्या मामला है, पूरी बात बताओ। ये हमारा दूल्हे का छोटा भाई है। अच्छा, यानी कि हमारा सबसे छोटा भाई, सबसे छोटा। अच्छा माशाल्लाह, वल्ला हबीबी, हम तुम्हें दुबई से बिस्किट ही बिस्किट मुंह पे मारेगी तुम्हारे। आज पहली बार तैयार हुआ सही से, आज से पहले कभी तैयार नहीं हुए थे कभी, नहीं नहीं टाई पहली बार कर रहे इधर आकर, तो इसको टाई के बारे में बात ना, मैं टाई बात कर रहा हूं, टाई से टाई बंदी बारिश की वजह से टाई थोड़ी टाई होती है, बाकी हम तो है ही बाकी तुम्हारे भाई चिट्ठी के मामा तो हमेशा ऑलवेज रेडी। आपका प्यार शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत कमा रहे हैं बहन छोटो मार्गो तुम्हें, अगर शेयर और सब्सक्राइब नहीं आएगी भाई खुला कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम हो चुके परेशान, एक एक जमाना हो गया, साले बाल चले गए इस ब्लॉगिंग करते करते, बच्चे के बाल चले गए, हमने यूट्यूब पे वीडियो बनाई, हमें मिला क्या 100 व्यूज, ये हमारा छोटा सा बच्चा आ गया, यहाँ वीडियो बना के कुछ नहीं मिलना, बस ये कर दो मिलियन बन गए। हाँ ये बात सही है, और जो नूनू कर रहे वो मिलियन में जा रहे, हम दुनिया भर की मेहनत कर रहे तो मजाक हो रहा है हमारे साथ। गाइस ये जो दो बच्चे हैं ये पैदा होके बड़े 10 साल के हो गए, मतलब हमारा चैनल आज तक वहाँ का वही है, पहले ले लिया हमारा, पर आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक बच्चा है, बच्चा 11 साल से ऊपर का हो गया अभी, बस बस दो बच्चे हैं और उससे हाँ तो नहीं बच्चे, ये हमारी बच्ची छोटी थी, ये हमारी बेटी है, मान गई, ये हमारी बेटी है 5 साल की, तो जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में, मामा जी हो गए हैं हमारे तैयार, इन्होंने पहन ली है शेरवानी, और आप देख सकते हो चारों तरफ मेहमान हैं, इनके फोटो खींच रहे हैं सब मोबाइल फोन में, बड़ी ही सिंपल सी शादी रही है और ज़्यादा कोई देखा वासा नहीं है बारा, और सब कुछ बढ़िया है। सो फाइनली दोस्तों हमारी गाड़ी में बैठ चुका हूँ और बारात निकल चुकी है जाने के लिए, तो बैल के बज रहे हैं 2:30 और बारात हो गई है अराउंड कम से कम 1.5 घंटा लेट निकल गई है बारात, 1.5 घंटे पहले निकल जाना चाहिए था, और 1.5 घंटा लेट निकलने के बाद अब ये लेट ही पहुँचेगी, और इसके सारे काम सारे मामला लेट रहेंगे, और आगे दिखाते हैं आपको सड़क पर कैसा रहेगा। ये आप देख सकते हो गाड़ियाँ, सारी गाड़ियाँ यहाँ इकट्ठी हो रही हैं, फिर एक साथ ही निकलेंगी, कुछ गाड़ी पीछे आ रही हैं कुछ आगे हैं। अच्छा गांव की शादियों में बड़ी अजीब सी बात ये होती है कि बस में कोई भी ट्रैवल करना पसंद नहीं करता, ठीक है, तो ये सारे लोग ऑलमोस्ट सभी कार के चक्कर में लगे हुए हैं कि कार में बैठने की जगह मिले, कार में बैठने की जगह मिले।
तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं धामपुर के नेशनल हाईवे पे, और यहाँ है मेरे पीछे आप देख सकते हैं टोल टैक्स, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, और हमारी गाड़ी लगी हुई है साइड में। इसका फास्टैग का जो ड्राइवर था हमारा, उसका फास्टैग का जो फास्टैग में जो लिमिट थी वो ख़त्म हो गई थी, इस वजह से साइड में लगी हुई थी गाड़ी। चलिए दिखाते हैं आगे। और तो फाइनली गाइस 2 घंटे का ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए हैं पोटी गांव में, और ये गांव सच में एक तरह की पोटी है, वैसे इस गांव का नाम पोटी है। और जैसा कि आप अभी मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूं आपको, अभी बज रहे हैं 4:15 और बारात पहुंची है पूरे 2 घंटे में, अराउंड 2 बजे बारात चली थी और अब बारात पहुँच चुकी है अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट पोटी में। और ये इकलौती दुनिया की पहली सबसे ज़्यादा लेट होने वाली बारात होगी। निकल रहे हैं गाड़ी से, मामा पीछे, मामा लुक एट मी, समाज भाई इधर देख लो, इधर मामा लुक एट मी, इधर इधर इधर, अस्सलाम वालेकुम मामा। ये दुनिया की पहली बारात होगी जो इतनी लेट पहुंची है। दुनिया की पहली बारात। चलो खैर, देर आए दुरुस्त आए, सब पहुंच ही गए हम पोटी गांव में। हाँ, पोटी गांव में पहुंच गए। ये पोटी गांव है, पोटी। ये हमारे भाई ससुराल है। हाँ, दुनिया का सबसे ज्यादा लेट होने वाली बारात होगी। हाँ, दुनिया की वर्ल्ड वाइड पोटी में पोटी बन गया। वो तो हमें पहले ही पता था, जब भी तो हम कार से आ रहे, हमारी तो कार में शक्ल खराब हो गई, कार में शक्ल खराब हो गई, ये तो फिर भी बाइक से आ रहा। ठीक है इसको यहाँ रखो, यहाँ। चलो खैर, स्वागत के लिए दुनिया भर के लोग खड़े हुए हैं, और ये देख सकते हो आप पोटी गांव को। गाइस, नाम में कंफ्यूजन मत लेना, ये गांव पोटी है, पोटी नहीं है। कभी आप समझो पोटी है, छिच्ची नहीं है, छिच्ची नहीं है। क्या पोटी आ रही है? ना ना, आइसक्रीम। अच्छा, तो ये आप गाइस देख सकते हैं मेरे पीछे बराती बाहर खड़े हैं, और उधर स्वागत की तैयारियां हो रही हैं, बाहर द्वारी कहते हैं इसे हमारे यहाँ पर। हाँ यार, ना भी नू कह रहा था मामा कि इंडिया में काम ही ना है, बहुत काम है इंडिया में। मैं 5 साल ऐसे तैसे मरा लिया, अगर 5 साल में कद्दू नहीं हुआ कुवैत में रह गए तो अब क्या करोगे तुम? अगले बहुत कुछ करेंगे, अगले 5 साल में तो आने वाले में तो बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं तो जब पिछले में नहीं हुआ तो अगले में क्या कद्दू? अगले की तो सोचनी पड़ेगी कि नहीं, जब पिछले में नहीं हुआ वो अगले में होगा ना। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी लगी हुई है दहेज में, ये हमारे मामे को मिलने वाली है दहेज। चलिए देखते मॉडल है, और ये मामलों को मिलने वाली है हमारे दहेज में। मतलब गाँव का नाम पोटी, और यहाँ के काम तो बड़े ज़बरदस्त हैं यार, मज़ा आ गया। चलिए दिखाते हैं खाने का जैसा। गाइस, पोटी गांव में आके हमारी शक्ल पोटी जैसी हो गई है, जाने नल लगा हुआ है। ये पोटी गांव के लोग बहुत बढ़िया हैं, देख सकते हो, भाई को दिखाओ, इन हेल्प कर रहे हैं बेचारे हमारे। ये इधर दांत दिखा रहे हैं खड़े हुए। ये पोटी गांव में आने के बाद जो हमारे मुंह की ऊपर पोटी लगी थी वो हमने फाइनली साफ कर दी। अरे रात का खाना था, रात का खाना, और जब भी तो 4 बजे आए, रात का ना आएंगे तो फिर यहाँ भुट्टे छीन ले खड़े हुए। बढ़िया बढ़िया, और क्या करे हैं भाई? दूल्हा दूल्हा भूखा है, इसे भूख लगी है बहुत तेज में, मगर किसे कह नहीं सकता बेचारा, अंदर ही अंदर। ना ना, मेरे कान में गिर रहा, कह रहा था क्या? तो गाइस, देख सकते हो आप दूल्हे की अंदर की खबरें हमारे पास हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, आपको आगे भी इसके बारे में बताएंगे। गाइस, दूल्हा कह रहा था कि मुझे भूख बहुत तेज लगी है, मगर क्या करूँ, मैं किससे कह नहीं सकता। रास्ते में कहीं गाड़ी रुकवाई नहीं है, मगर लेट होगी बारात, लेट हुआ। तो गाइस, आगे खबर आपको बाद में देंगे। गुड बाय।
तो देखिए गाइस, हमारे मामा निकल चुके हैं कार से और अब जा रहे हैं बात दुआरी कराने। ये खड़े हुए अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करना है वहाँ जा करके, और अब ये जा रहे हैं, आप देख सकते हो। अंदर जाओ ना मेरे। कहाँ कहाँ रह गया मैं कहाँ हूँ? इधर पकड़ी का बार दुबारी कवर करनी है आगे तक की। सस्ती कैसी दिया है? चार के नहीं लग रही। पकड़ो गुलाब गुलदस्ता पकड़ो। और अभी आ रहा है। 50 ये रहे भैया और 1000 ये रहे। सॉल्व कर दिया 5 मिनट का काम। फाइनली 50 और 1000 की एंट्री देने के बाद हमें हमारा स्वागत हो चुका है और हमारी एंट्री। अब हम जाते हैं, चलिए अब दिखाते हैं उन्होंने हमारे लिए क्या इंतजाम किया हुआ है। तो दोस्तों, लगभग 1.5 घंटा बाहर, या ये कह सकते हैं टेंट के बाहर खड़े होने के बाद हमने की एंट्री, स्वागत हुआ हमारा। उसके बाद अंदर के बार दुआरी करी और उसके बाद खाने का वेट कर रहे थे। सारी बारात फिलक रही थी खाने के लिए, भूखी मर रही थी, ठीक है। और अब हम दूल्हे को बिठा करके आए हैं नीचे। और गाइस, अब आप अपनी आंखों से देखो टाइम क्या हो रहा है। अब देख सकते हो टाइम क्या हो रहा है, 5:17 हो रहे हैं और ये खाने के टेबल अभी क्लीन है। ये पहचान है कि यहाँ अभी तक एक पकौड़ी भी नहीं खाई गई है। ये शिद्दत से भूखे हैं बेचारे बराती, ये देख सकते हो आप। ये बेचारे ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से भूखे हैं। ये वर्ल्ड की सबसे ठगी हुई बारात होगी जो इतनी लेट पहुंची है। आज तक दुनिया में कोई इतनी स्लो बारात नहीं होगी। होगी खालू कोई नहीं होगी भाई, आज कैसे किया? मैंने तो देखी नहीं भाई, इतनी लेट कभी नहीं देखी। आज देख ली ना, आज मामा कल वो नहीं, आज चच्चा गलत बोल रहे हो प्रधान जी, आज देखी मैंने, आज देख ली ना। ऐसी बारात पहली बारात होगी, पहली बारात। ये दुनिया की इकलौती बारात है जो 5:15 दोपहर का लंच करने वाली है, ठीक है। और अभी भी करने वाली है, अभी ऐसा नहीं है खाना आ गया, अभी तो सिर्फ बैठे हैं। अभी देख सकते हो सारे टेबल क्लीन पड़े हैं। अभी यहाँ पे पानी से गुजारा करना पड़ा है, पानी पानी भी नहीं है टेबल पे, पानी तक नहीं है। अभी तो प्यासे मर रहे हैं। अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ मेहमान क्या कह रहे हैं यहाँ, क्या हाल है। मेरा तो दिल भर गया, आके आराम से घर पे पड़ा होता मस्त बेड पे। मैं तो पहले ही कह रहा था ना बारात में जाऊंगा, मेरा जिम का भी टाइम, आराम से जिम मारता मैं इस टाइम। अबे यार इस भाई, तुम्हें बहुत आग मूत रहे थे बारात में, बस अब नहीं आना इसी ऐसी बारात में। तोबा 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 कर, कान पकड़, कान दोनों हाथ उल्टे,
पकड़ लिए। स्वागत करा है, माला पहना के इसे ही खाना पड़ेगा लग रहा है। एक घंटे तक यही खाई है मैंने, बाहर खड़े होकर करा क्या? पानी से गुजारा करा है। यही तो ये बेचारे बराती बिलक रहे हैं। तो यार इनके साथ फिल्म हो गया तो डॉक्टर बनना। ये हमारे भाई हैं, कंपाउंडरिंग सीख रहे हैं, डॉक्टर बनने वाले आने वाले टाइम में। अगर खाना दोपहर का लेट हो जाए तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है? किसी डॉक्टर बना दिया बता जिमी, जिंदगी टट्टी चल जाती है अगर टाइम से ना खाना खा, हजम ना होता है ना। और तुम जिम की ट्रेनिंग भी ले रहे हो, तुम्हें पता होगा कि खाना पचाना कितनी बड़ी बात होती है। अब ये सारे बराती लेट खाना खाएंगे तो कितनी प्रॉब्लम से हो जाएगा? अब यहाँ से लेट होंगे, फिर आराम से धक्के खाते हुए घर जाएंगे, फिर थके रहेंगे, सोना पड़ेगा, खाना हजम नहीं होगा, सुबह को हल्के नहीं होंगे, इतनी सारी प्रॉब्लम है। तो गाइस लगभग टाइम क्या हो रहा है, 5:23 हो रहे हैं, 5:15 बैठे थे ना। लगभग 8 मिनट वेट करने के बाद हमारे पास थम्सअप आई है, मतलब अभी तो खाया भी नहीं है, पहले ही हजम करा रहे हैं। इनका इरादा पूरा हमारी टट्टी जलाने का ही है, समझ रहे हो? आज हमारी चलेगी जिंदगी। इसका गिलास यो लट भाई, ये मेरा उठाया यहाँ से। अब चावल समाप्त, अभी सिर्फ कोल्ड ड्रिंक मिल रही है यहाँ पे। खाने की डिशेस आने शुरू हो गई हैं। ये फैंटा की बोतलें घूम रही है मार्केट में, ये बिरयानियाँ घूम रही है। फाइनली गाइस बिरयानी आ चुकी है हमारे काउंटर पे। ये बच्चों ने सर्व करना शुरू कर दिया है। कोरमा रखवाओ, यहाँ रखवाओ, एक कोरमा मंगवाइयो भाई। ये इधर से, तो उधर खाना, उधर से लोग डिशेस में करके भेज रहे हैं, इधर ही हमारे पास लाया जा रहा है। इधर रखो डिश, अरे इधर रख दो डोंगा, इधर रखो भाई, अरे इधर इधर। डिश हमारे सामने आ चुकी है, अब इसमें से हम निकाल लें चिकन। तो गाइस फाइनली अब सबर तो हो नहीं रहा, अब हम खाना खाने के बाद ही बात करेंगे आप लोगों से, ठीक है कासिम? हाँ भाई। तो गाइस देख सकते हो आप, खाना टेबल पे आ चुका है, अब सब लोग खा रहे हैं। सब लोग इतने भूखे हैं कि लगे पड़े हैं खाने के लिए। रसगुल्ला भी आ गया है, देख सकते हो लगे पड़े हैं लोग, मोली उठा रहे हैं अपना। लोगों का फोकस सिर्फ खाना खाने पे ही है। ये मेरी प्लेट है, मैं भी खाना ही खा रहा हूँ। कहा थी वहाँ तेरा भाई लेग पीस मारेगा। अबे लेग कहाँ है, लेग में लेग तो है ही ना, हड्डी मुर्गे को पोलियो था क्या, खत्म हो गया उसका। फाइनली गाइस 5:49 हो रहे हैं, लगभग मुझे खाना खाने में लगे 25 मिनट। आप इस 25 मिनट से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे भूख कितनी थी, ठीक है? मतलब पेट के जो चूहे थे वो कूद कूद के मर चुके थे, अब उनमें जान नहीं बची थी, तो इसलिए इतना टाइम लगना लाजमी था। आप देख सकते हो कोल्ड ड्रिंक चल रही है साथ में, तो हाथ में भी साथ साथ चल रहा है, ठीक है? वैसे पानी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक है, ये स्प्राइट है, तो ये साथ साथ लग रही है अंदर, तो हाथ में भी हैंड पेंट हो रहा है, तो मज़ा आ गया भाई खाने में। चलो खैर देर आए, देर खाए दुरुस्त खाए, ठीक है? चलिए अब हाजी आशिकों की कमी नहीं है गालिब, ये ढूंढो तो हजार मिलते हैं। एक ढूंढो तो हजार मिलते हैं, क्या दिखा रहे हो, दिखाना खाना नहीं कुछ मत देखो, दिखाओ। तो दोस्तों ये हो रही है सलामी। ये मुस्लिम कम्युनिटी में जो शादियां होती है उसका लास्ट पॉइंट होता है, जो सेलिब्रेशन होता है बारात में, उसके बाद बारात अपने घर वापस चली जाती है विदाई होने के बाद। इससे पहले निकाह होता है, उस टाइम में कहीं और था तो वो शूट नहीं हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल टुडे व्लॉग्स के साथ। बाय।